नमस्कार, मैं हूं आर्मिनी कैंपराय और आप देख रहे हैं एनडीएच प्राइम टाइम। चलिए नजर रखते हैं आज की पहली खबर पर। कल हमने एक न्यूज़ टेलीकास्ट किया था जहां पे 65 इयर्स की एक महिला जो हजारीसा इलाका के डोरंगी गांव के रहने वाली झूम खेती जाते वक्त गुम हो गई थी। गाँव वालों ने चार दिन से काफ़ी ढूंढा और आज जाके श्रीमती सोलमो कैंपराय पोंगलो जी का डेड बॉडी पाया गया। अभी तक ये कहना मुश्किल है कि मौत का कारण क्या है, क्योंकि उनका डेड बॉडी झूम खेती जाने वाले रास्ते पर नहीं पर काफी दूर जंगल के अंदर पाया गया। चलिए नजर रखते हैं आज की और एक खबर पर। हजारीसा इलाका के डिगरमा गांव में जब घर पे कोई नहीं था तब लाइबनॉन कैंपराय के घर में आग लगने के कारण पूरा घर जल के राख हो गया और मायबंग से काफी दूर होने के कारण फायर सर्विसेज भी वक्त पर नहीं पहुंच पाया। चलिए आपको दिखाते हैं जलते हुए घर की कुछ तस्वीरें। इस तरह की घटनाएं जब भी दूर दूर के गांव में होता है तब फायर सर्विसेज सोचने से भी वक्त पर नहीं पहुंच पाता और सरकार की ओर से इस प्रॉब्लम के लिए भी कुछ सोचा नहीं जा रहा है। क्या फायर सर्विसेज सिर्फ शहर के लोगों के लिए है? क्या गांव वालों के लिए ये सर्विसेज नहीं है? अगर है तो इस प्रॉब्लम का सलूशन के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। आज हम आपको दिखाएंगे एक शॉकिंग इंसिडेंट। आप सभी को पता है कि उमरांगसो के 3 किलो एरिया के रास्ते की हालत कैसा है। सबसे पहले देखिए रास्ते की ये कुछ तस्वीरें। कल रात इसी रास्ते में से जब एक प्रेग्नेंट औरत को हॉस्पिटल में लेके जा रहा था तब रास्ते की हालत ख़राब होने की वजह से बीच रास्ते में ऑटो के अंदर ही एक बच्चे का डिलीवरी हो गया। सबसे पहले देखिए ये कुछ तस्वीरें। हेलो दोस्तों, देखिए अभी रास्ता का इंसिडेंट 3 किलो का। अभी 5 किलो से शायद ये ऑटो आया है, डिलीवरी केस था तो अभी एम्बुलेंस भी नहीं है। एम्बुलेंस को बुलाया था, एम्बुलेंस नहीं आया। रोड का रास्ता तो बहुत ही खराब है हालत। देखिए गाड़ी में अभी ऑटो में डिलीवरी हो रहा है, ऑटो में डिलीवरी हो रहा है, मगर हम दिखाएगा नहीं अंदर में कौन है, मगर डिलीवरी हो रहा है सच में। रोड का कंडीशन देखिए इधर, आप लोग सोचिए। अभी देखिए उधर डिलीवरी हो रहा है और देखिए भाई भाई यहाँ क्या हो रहा है बोलिए आप लोग। अभी मंद भाई अरे ऑटो में, अब ये ऑटो में क्या हो रहा है भाई जी? ये डिलीवरी केस लेके आया था 5 किलो से,
एम्बुलेंस हमने फोन किया, एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस नहीं है तो आते आते रास्ते में हो गया। रोड का कंडीशन देखिए, स्पीड से भी नहीं ले आ सकता है। अभी आते आते ऑटो में ही हो गया। एम्बुलेंस को बुलाया वो भी नहीं है। ठीक है, आप दिखा सकते हो ऑटो में? अभी तो नहीं देखा, अभी डिलीवरी हो रहा है उधर में। नहीं, हो चुका है, हो चुका है, डिलीवरी हो चुका है, मगर आपको अंदर में नहीं दिखाएगा। हम बार 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 से दिखाएगा पब्लिक को। देखिए ये देखिए रास्ता का हालत, और गाड़ी में ऑटो में बच्चा डिलीवरी हो गया है। फोटो है, वीडियो दिखा दे। देखिए गाड़ी में डिलीवरी हो गया है दोस्तों। देखिए बच्चा का हालत, देखिए ये गाड़ी में डिलीवरी हो गया बच्चा का। ऐसा हालत है हम लोग का डिमासा का, और गवर्नमेंट सोचता नहीं कुछ भी। रास्ता इतना खराब है, खराब रास्ता खराब का वजह से आज ये हालत है डिमासा का, और हम लोग का पब्लिक का इतना दिक्कत में चलना पड़ता है। एम्बुलेंस नहीं है, ऑटो में लेके आया। अभी सब लोग यहाँ में जंगल में रुका है, देखिए आधा जंगल, पूरा जंगल है, पूरा अंधेरा है। देखिए 3 किलो टुमरांगसू रोड है ये, देखिए कितना खराब है रोड का हालत। अगर रोड अच्छा होता तो शायद ये हॉस्पिटल में पहुँच के हॉस्पिटल में आराम से डिलीवरी होता, मगर ऐसा हालत है दिमासों का। ये जो 3 किलो एरिया है और ये जो उमरांगसो एरिया है, ये वो इलाका है जहाँ से दिमाहासाओं का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। लेकिन लोग इस रास्ते से सिर्फ बिजनेस और सरकार सिर्फ रेवेन्यू ही कलेक्ट करता है, पर इस रास्ते को बनाने के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। यही है दिमाहासाओं का रियलिटी। चलिए नज़र रखते हैं आज की आखिरी खबर पर। आज दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर हाफलोंग शहर में असम के चीफ सेक्रेटरी श्री जेष्णु बोरवा जी आए अभी का कोरोना वायरस का सिचुएशन के बारे में जानने के लिए। और हाफलोंग के सर्किट हाउस में आज एक मीटिंग रखा गया मेडिकल टीम के साथ दिमा हासाओ के कोरोना वायरस के सिचुएशन को और भी अच्छी तरह से जानने के लिए। चलिए दिखाते हैं आपको ये कुछ तस्वीरें। কারণটো মই এটা আমাৰ ডিমা হাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যিমান কোভিড প্ৰিপেয়াৰডনেছৰ কাৰণে চাবলৈ আহিছোঁ, এইটো ৰিভিউ কৰিবলৈ আহিছোঁ। এতিয়া তেওঁলোকে কেইবাটাও পদক্ষেপ লৈছে, কিন্তু আৰু অহা দিনকেইটাক যদি আমি যদি সাৱধান নহওঁ আৰু সাৱধান আৰু সতৰ্ক নহওঁ, খুব বেয়া ফালে ঢাল খাই যাব পাৰে। পৰিস্থিতিটো এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণত আছে, অসমতো নিয়ন্ত্ৰণত আছে, কিন্তু অহা 7-10 দিনত কি ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন হয় এইটো ক'বলৈ এতিয়া দিগদাৰ। আমি সময় এতিয়া আমাৰ আছে, হাতত আছে, এতিয়া যিমানখিনি গাইডলাইনছ আছে সেইটো ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব। যিমানখিনি আছে, যিটো ক'ভিডৰ সংক্ৰান্তত যিটো ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টে ৰিলিজ কৰি দিছিলে, নটি ইছ্যু কৰিছিলে, জাৰি কৰিছিলে, সেইখিনি ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে, সেইখিনি কৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াত বিশেষকৈ ডিমা হাছাওত যিখিনি ইয়াত বহুত ৰিমট এৰিয়াত কিছুমান গাঁও আছে, এই গাঁওবিলাকত যদি বিয়পি যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত কিন্তু চিটুৱেশ্যনটো বেয়া হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে এই সময়তে আমি যিমানখিনি ভাল যিমান পাৰোঁ ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে আমাৰ যিখিনি গাইডলাইনছ। আছে 68টা বেড আছে বুলি কৈছে, না 68টা বেড আছে। কাৰণ এইখন জিলাটো যদিও ডাঙৰ, মানুহৰ সংখ্যা বেছি নহয়, ইট ইজ অনলি 2.47 লাখ, কিন্তু সেইটো সেই অনুপাতত হয়তো বিছনাখিনি এতিয়ালৈকে ঠিকে আছে, কিন্তু ক'ব নোৱাৰি ভৱিষ্যতে। দিল্লীতে বেড নাইকিয়া হৈছে বা বম্বেতে নাইকিয়া হৈছে, তো 68টো তাতকেতো বেয়া হ'লেতো আৰু তাতকৈ বেছি লাগিব। কিন্তু আজিৰ দিনত এতিয়া মই ভাবোঁ এতিয়া যথেষ্ট হয়ে যথেষ্ট আছে বেড, কিন্তু ভৱিষ্যতে ক'ব নোৱাৰি। থেংক ইউ। অসমত নাইট কাৰ্ফিউ প্লেনিং আছে? এতিয়ালৈকে একো নাই, এতিয়ালৈকে একো নাই। এতিয়া আমি ভেহিকুলাৰ ট্ৰেফিক
বা গাড়ি অহা যোৱা কৰা সেইটো আমি বাধা দিয়া নাই। ছটাৰ পিছত কেৱল দোকানখিনিহে বন্ধ কৰাৰ আমি নিৰ্দেশ দিছিলোঁ। দোকানখিনি এতিয়া মানুহে নিজে ভলণ্টিয়াৰলি কমপ্লাই কৰিছে, নিজে দোকানখিনি বন্ধ কৰিছে নিজৰ ছটা বজাত। আৰু নাই যদি কৰিব লাগিব নহয়, মই এপিল সেইটোৱে কৈছোঁ যে নিজে কৰক, বন্ধ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক, নেটৱৰ্ক মুশকিল হৈ যায়গা, দিকতে কাফি আয়েগি। ইয় আগে হাফলং মে হৈ গা তো এপিডেমিক জেসে দিল্লী ইয়া কোনো জায়গা পে, দিল্লী ইয়া মুম্বাই জেসে জায়গা পে, তব তো ইয়াৰ পৰা তো লোক কাফি লোকৰ এফেক্ট হ'ব। আৰু ইসমে আৰু কোনো পাছ ৱালা হস্পিটেল বি নাই, জি এম চি মে বি ভৰ্তি হৈ গিয়া, নম্বৰ পূৰা মতলব ফিল আপ হৈ গিয়া হে। সিলচৰ মে বি ওই সিটুৱেশ্যন হে, তো পেচেণ্টছ কো কহাঁ ভেজেঙ্গে। সো স্টিচ ইন টাইম সেভস নাইন, জেসে হম লোক কহতে হে ওয়েসে হি কৰনা হোগা ইয়াঁ পে, ঠিক হে, থ্যাংক ইউ। अभी का समय में कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से बचने के लिए सावधानी और सतर्कता बरकरार रखें, और इसी तरह दिमाहासाओं का हर एक खबर पाने के लिए देखते रहे एनडीएच। तब तक के लिए मैं आर्मिनी कैंपराय आपसे विदाई लेती हूँ। धन्यवाद।